बहुत दिन में वापसी करी है अरकान भाई ने बॉलिंग में। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब आए हो, आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज अभी का सीन कुछ ऐसा है, सुबह के बज रहे हैं 11 और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो वैसे तो मैं आज 9 बजे उठा क्योंकि संडे था और कबीर की भी छुट्टी थी, तो सुबह 9 बजे उठाऊँ तो उसके बाद से मैंने अब ब्लॉग स्टार्ट किया अपना, काम से फ्री होकर फ्रेश होकर एकदम। तो आज मुझे शूट पर भी जाना है, तो आज आपको कहीं लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कुछ अलग, बिल्कुल अलग दिखाएंगे जो अभी तक आपने मेरे ब्लॉग में नहीं देखा होगा। तो मतलब बहुत यूनिक रहेगा, अच्छा रहेगा, कोशिश मेरी अच्छे की रहती है। तो आप भी अच्छा सा प्यार दे दिया करें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके प्यार की और सपोर्ट की, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि व्यूज़ बहुत डाउन जा रहे हैं। मतलब जिस तरह से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में मेरे 100 प्लस 200 प्लस व्यूज आने लगे थे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के डेज में व्यूज मेरे अच्छे आ रहे थे, मगर अभी बहुत डाउन चले गए बहुत ज्यादा, और सब्सक्राइबर भी स्लो हो गए क्योंकि इतनी स्पीड से सब्सक्राइब लोगों ने किया सबने, और अभी एकदम स्लो हो गए बिल्कुल बहुत ज्यादा। मतलब मैं जिस चीज को दिल से चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलती। तो अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे मैं कामयाब हो जाऊं, मेरी वीडियो वायरल हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए। कोशिश है, सबर कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, मगर मैं जिस चीज़ के लिए दुआ मांगता हूँ ना वो चीज़ मुझे नहीं मिलती, इसलिए थोड़ा सा दिल को ठेस सी पहुँचती, दिल दुखता, दिल टूट जाता। मैं अभी YouTube को दिल से मांग रहा हूँ कि मतलब YouTube पे मैं कामयाब हो जाऊँ। तो कोशिश है, तो बने रहिएगा एंड तक, और चैनल भी नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और बने रहिए एंड तक और देखते रहिए अरकान सिद्दीकी ब्लॉग। गाइस चलते हैं सबसे पहले मार्केट, मार्केट से लाके देते हैं मम्मी को सामान, तो उसके बाद में जाएंगे शूट पर। और देखिए कबीर कहाँ नाराज होकर बैठा है, तो बोल रहा है मुझे नया मोबाइल चाहिए, तो नाराज होकर बैठा है मट्टी में। देखो उठते ही संडे में भी मतलब कुछ फ्रेश नहीं, कुछ नहीं हुआ, उठते ही एकदम यहाँ आके बैठ गया, बस नया मोबाइल चाहिए, पता नहीं क्या सपना देख रहा था नया मोबाइल का। तो अभी जा रहे हैं मार्केट, तो चलते हैं मार्केट सामान लेने। और हम अपना ब्लॉग शूट करने के लिए, तो मम्मी पूछ रही है क्या बनाऊं, तो मैंने उनसे बोल दिया जो मर्जी वो बना लो। वैसे तो मैं आलू का भुर्ता कह रहा हूँ क्योंकि ठंड के मौसम में आलू का भुर्ता बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है। तो अभी मम्मी तहरी बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो तहरी बना लेंगे तो जैसा भी होगा। तो पहले अपना ब्लॉग शूट करने चलते हैं, उसके बाद में इतना खाना भी रेडी हो जाएगा, खाना आकर खाएंगे, तो चलते हैं अपना ब्लॉग शूट करने। बढ़िया, रन आउट गया, गया मैच हार गया, शान आउट हो गया भैया, हार गए मैच, पागल बंदी है भाई। अन भाई आउट हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैच होता कर रहा हूं भाई, पहले भी आउट हो गए ना दूसरी पे, दूसरी था है ना। बैटिंग आने वाली है, अभी अपना नंबर है जाए। मैं खेल रहा हूँ बहुत दिन के बाद, मतलब काफी टाइम के बाद खेल रहा हूँ, कितने साल हो चुके हैं। तो अभी शॉट मारा है तो सरकारी स्कूल में चली गई है बॉल, तो अभी वो लेने के लिए गए हैं, तो तैयारी है ग्राउंड की। तो अभी साइड से तो खेलना भी स्टार्ट कर दिया, बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ। तो अपनी बात बता रहा है जदाब पुराने चावल शारिफ भाई, बच गया खाली एक बार फिर मिस, लगातार दो डॉट कर दिए हमारे मामू शारिफ मामू। ओ भाई खतरनाक खतरनाक, और बच गया भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया मैच जीते मैम। चलो भाई नो बॉल, शारिफ भाई अपनी बॉल हो रही भाई, ये डेली खेल रहे हैं भी यहाँ पे वाइट, अरे भाई दो, 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 छेड़ दी, हो जाएगा यार भाग, ए ए ए हो गया, नहीं, 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 नहीं।
नहीं है यार भाई, पहले यार ईट गिर गई ना, पहले ईट गिर गई, बोलने लगी यार, मेरा हाथ पहले पीछे आ गया, फिर पता नहीं आया तो अजीब गरीब हुआ, समझ ही नहीं आया। हाँ बाउटे भैया, मेरी वेडिंग है, वीडियो में देखा तो मौके पे वीडियो बना रहा था, अपना व्लॉग शूट कर रहा था, तो ये था हमारा आज का यूनिक। तो आज मैं क्रिकेट का व्लॉग बना रहा हूँ, तो मौके पे हमने देखा तो ये आउट था और मैंने नोट आउट दे दिया, वीडियो में देखने के बाद भी मैंने नोट आउट दे दिया, मतलब मेरी टीम का प्लेयर था तो इसलिए मैंने नोट आउट दे दिया है, तो बेईमानी हो गई है, मगर कोई बात नहीं, खेल रहे हैं। नहीं हो रहा भाई, एक घंटा हो गया, वो बच गया, बड़ी मेहनत के साथ रन लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट बॉलर, न्यू बॉलर, ओ बॉल भाई, तो भाई तो स्टेडियम ज्वाइन करता है ना, अच्छा मुझे नहीं लग रहा भाई बैटिंग आ गई मेरी, विकेट ही नहीं हो रहा यार, आउट ही दे देता तो मेरी बैटिंग शायद आ जाती। बांस वांस के नो मत खेलो, ओ बॉल यार, बढ़िया बॉल डाल रहा भाई है क्या, नहीं दोनों तीनों मुंह पे मार दी भाई, देखियो क्या टिप, अब से पहले क्यों नहीं ले गया भाई, चलो ये वाइट, ये यार तुम वहां पहुंचा है, वाइट वाइट को भी ठीक कर दी। तो अभी मेरी बैटिंग आ चुकी है, सबर करते करते मेरी बैटिंग आ गई है, तो अब देखिए मैं सामने खेल रहा हूँ, तो शॉट मार दिया है और रन के लिए भाग गया हूँ, सिर्फ एक बॉल मुझे इस मैच में खेलने के लिए मिली है, बस एक बॉल, नहीं तो बस रन लिया। एक बॉल खेलने के लिए मिली है बस एक, नहीं तो बस रन ही रन लेने पे रहा हूँ, तो अभी फील्डिंग भी बनाएंगे, फील्डिंग आ चुकी है हमारी, शांत तैयार है बॉल फेंकने के लिए, मेरा बच्चा गिल्ली डंडा, तो एक तरफ क्रिकेट एक तरफ गिल्ली डंडा चल रहा है, खराब हो रहा है, एक ही बॉल खेलने के लिए मिली है और फील्डिंग भी ऐसी जगह लगी लगी है मेरी इधर साइड ब्लू कोने में, कोई बात नहीं, पता नहीं शान से ही बॉल नहीं हो रही है, चार पांच रन दे दिए, 27-28 रन आ रही हैं, तो मैच भी हार सकते हैं हम। तो ये था आज का यूनिक व्लॉग, मैंने अभी तक मैंने आपको ऐसा व्लॉग नहीं दिखाया क्रिकेट के ऊपर, मतलब खेलते हुए, तो आज फर्स्ट टाइम मैं तुम्हें खेलते हुए भी दिखा रहा हूँ, बहुत टाइम बाद, मतलब कितने सालों बाद मैं खेल रहा हूँ पीर के ग्राउंड पर, बॉल मिल चुकी है और ओवर भी हो चुका है, पर फिर मैच रुका है, बॉल खो गई है पीछे झाड़ियों में, तो अभी मेरे साथ बहुत बहुत ज़बरदस्त शॉट हो गया है, तो बॉल आई थी मेरी तरफ और मैं यहाँ पर कीचड़ में इधर गिर गया बहुत ज़ोर से, तो कपड़े भी ख़राब हो चुके हैं और कोई बात नहीं, नमाज के कपड़े भी ख़त्म हो चुके हैं तो चेंज करना पड़ेगा, तो जीन्स बिल्कुल गंदी हो चुकी है, तो अभी फ़िलहाल फील्डिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैच जीत जाए मगर लगता नहीं मैच जीतेंगे हम, तो अभी बॉल आ चुकी है, हार चुके हैं, अभी दूसरा मैच होगा, क्या कहना चाहोगे, ओपनिंग करा दो यार, रन बन जाएंगे, सही बता रहा हूँ, नवाज तू भी हमारी तरफ, चलो दूसरा मैच स्टार्ट, और बैटिंग आई है अपनी, बैटिंग आ गई अपनी, ओपनिंग जा रहे हैं शान और वेज, तो शताब भाई तुम्हारा नंबर नहीं आया, तुम्हें क्यों नहीं खिला रहे कोई, हाँ तो हमारे टेस्ट के प्लेयर हो तुम, T20 चल रहा है, जा खड़ा हो जा, तू बीच का है, जा तू बीच का है, चलो भाई अब के तो मारा है, चार हो गए भाई, शान ने पहली पे चौका मार दिया, शान खुश हो, पहली बॉल पे बाउंड्री आ गई, देखना
फालतू की वो मत करे, मुझे जान दे, मुझे हाथ खोलने थे, पहली बॉल बल्ले पे ले ली थी मैंने। एक और हो गई पार, पार हो गई पार, दो पे दो बाउंड्री शान के बल्ले से। ओ बेटे फील्डिंग देखो कैसे लगा रखी है, कीपर के बराबर में एक और, हमारा आमिर हमारे टाइम के बल्लेबाज। एक और भाई, एक और बच गई। अच्छे बल्लेबाज वो भी छत के, नवाज बस सिर्फ छत पर बैटिंग कर सकते हैं अपनी, और कहीं नहीं कर सकते, वहां तो अड़ जाते हैं, विकेट नहीं देते अपने, इनसे बढ़िया बल्लेबाज नहीं है छत पे। तो बीच में से ट्रॉली जाती हुई बेटे छक्का मारा, चौका छह रन, चलो सही है। आज तो स्टार्टिंग से पहले ओवर से ही कूटना स्टार्ट कर दिया भाई। तो नवाज की मेरी भैंस चल रही है, नवाज के ना मैं जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ मैं जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि वो ही जाएगा क्योंकि वो मुझे जाने नहीं देगा, पहले ही खड़ा है अपने स्टाइल में। तो ओवर हो चुका है शदाब भाई, अब नेक्स्ट टाइम शदाब नेक्स्ट टाइम मेरे बदले खेल लेना तुम, जब मैं आऊंगा नहीं। योर्कर लेंथ की बॉल मामू की तरफ से, शारी मामू आउट हो जा शान यार, जल्दी हो जा यार, बैटिंग आ जाएगी, नवाज की नहीं आ रही मेरी तो क्या आ गई, पहले तेज बना दिया आज, सही है चलो पीछे गई, हट जाओ भाई मार देंगे, आउट हो जा शान यार। गेंद मिस करे यार, आउट नहीं होने का, देख तो लो नवाब का इसका बैटिंग आके शान बोल्ड हो गया। शान भैया इतना मारने के लिए थोड़ी कहा था हैं, इतना मारने के लिए थोड़ी कहा था हैं। दोनों टोक टोक में आउट होकर आ चुके हैं, मैं भी बोल्ड हुआ और नवाज भी, मगर नवाज की विकेट गिरी और मेरी एज लेकर गई है विकेट की, तो कोई बात नहीं। हुआ भैया बैटिंग तो हो चुकी है, अभी फील्डिंग आ चुकी है हमारी, तो ये तो लगता है मैच के हम जीत जाएंगे, मगर देखते हैं टाइम का कुछ पता नहीं। विकेट हो चुका है और नवाज ने रन आउट किया है, तो दूर से डायरेक्ट थ्रो मारी और विकेट में लगी जाकर आउट हो चुका है। तो अपनी बैटिंग तो ऐसी आई है, पहली बॉल पर बेईमानी कर ली, मैं लगी नहीं थी हाथ में और मैं रन लेने के लिए लगा तो वो कैच हो गया, तो फिर मैं बोलने लगा नहीं मेरे हाथ में नहीं लगी थी, ऊपर लगी थी, तो फिर मैं उसके बाद बोल्ड हो गया और नवाज को भी के आउट करा दिया, शान को भी, और मैं भी कुछ नहीं कर पाया। तो रन हमारे कम से कम 50 बनते, तो अभी 50 नहीं बने, तो अभी मैच भी पूरा होने वाला है, तो अभी हम दूसरी जगह जाएंगे व्लॉग शूट करने के लिए, जल्दी से मैच पूरा हो और हम दूसरी जगह जाएंगे और नया टॉपिक आपको दिखाएंगे, शूट करेंगे वो भी आज ही। तो एक दिन में दो व्लॉग शूट करने का प्लान है आज, बहुत दिन में वापसी करी है अरकान भाई ने बॉलिंग में। छह रन मार दिए हैं।
बहुत ही शानदार शॉट मारा है। फिलहाल मैच हमारे दोनों पूरा हो चुके हैं और दोनों ही मैच हमारी टीम हार चुकी है, तो ये इस ओवर में इस मैच में मैंने बॉलिंग की और सालों बाद बॉलिंग डाली है, और मतलब डाली नहीं थी, और इस उंगली में भी चोट लग गई मेरी, और आज गिर भी गया, पहले मैच में गिर भी गया फील्डिंग करते हुए, तो आज गिरे भी है और हाथ में भी चोट लगी है और मैच भी दोनों हार चुके हैं। तो फिलहाल थक हार कर खड़े हैं यहाँ पर पेड़ों के नीचे, मूड खराब हो रहा है और ये मेरी मजाक बना रहे हैं। तो नवाज भी हमारी टीम में ही था, तो इन्होंने तो अच्छी बहुत बहुत अच्छी थ्रो मारी थी, पहला विकेट इनकी वजह से निकला है क्योंकि इन्होंने रन आउट किया, डायरेक्ट हिट किया इन्होंने विकेट को और रन आउट किया, तो मैं इनको बहुत बहुत अच्छी इनकी मतलब तारीफ करना चाहता हूँ। देखो किस मतलब खिलाड़ी छत के हैं मगर ग्राउंड में भी अच्छा खासा खेल लेते हैं, तो हम ग्राउंड में ही खेलते थे, इन्होंने कभी ग्राउंड में कदम रखा नहीं था मगर आज रखा, तो आज रन आउट कर दिया है, तो मजा आया आज मैच में बहुत ज्यादा। तो चलते हैं घर क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग शूट करने के लिए भी जाना है, तो चलते हैं घर। घर आ चुका हूँ और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि आज बहुत दिन बाद मैच खेला, तो खेलने में तो गर्मी लगती ही है, तो मेरी उंगली ना बिल्कुल बेकार हो चुकी है, ये बीच वाली, तो मतलब ना तो मुड़ रही है ना सीधी हो रही है, इतनी जोर से लगी है, बहुत पूरी टूट गई है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा सीधी करने में मोड़ने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो पैर भी छिल गया, पैर भी है। आपको क्या दिखाऊं, पूरी ईंट लगी जैसे मैं फील्डिंग कर रहा था, बॉल करा रहा था, तो पैर भी छिल गया है, और फील्डिंग करते हुए तो गिरा ही था क्योंकि वहाँ कीचड़ थी, मैंने आपको दिखाया भी था, तो आज बहुत दिन बाद खेला था, ऐसा हो रहा था जैसे बच्चे खेल रहे हो, फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बॉलिंग भी कराई आपने देखा, बॉल कराई मैंने, और बैटिंग में तो कुछ खास नहीं कर पाए, पहले मैच में पहली बॉल पे सिंगल लिया, उसके बाद में बैटिंग नहीं आई, और दूसरे मैच में पहली बॉल पे मैं बेईमानी से करने लगा था, मतलब मैं कहने लगा, मुझे मेरे पीछे देखा नहीं कि पीछे विकेट कीपर ने बॉल पकड़ ली, मैं कहना नहीं मेरे अंगूठे में लगी रन है, तो मैंने देखा पीछे क्या चुके अब आउट है आउट, मैंने नहीं भाई मैं मजाक कर रहा था, ऊपर लगी है, तो फिर वो उन्होंने मुझे बैटिंग दे दी, चलो खेलो कोई बात नहीं, उसके बाद में भी मैं अगली बॉल मिस करी और फिर उसके बाद में बॉल्ड हो गया, वो भी हल्की सी एज लेकर गई विकेट की, तो मजा आया आज बहुत ज्यादा, और यही मेरा यूनिक था जो मैं आज आपको कहने वाला था, आपने अभी तक मेरे कुछ इस तरह का व्लॉग नहीं देखा होगा, तो मैंने आज आपको क्रिकेट खेलते हुए मैच दिखाया और मैं कितने सालों बाद खेला, ये भी एक यूनिक है क्योंकि मैंने क्रिकेट को बिल्कुल अलविदा कह दिया था, और आज बहुत टाइम बाद बहुत सालों बाद मैंने वापसी की और बॉलिंग भी कराई बैटिंग भी करी जैसी भी करी, आपने देखा मजा आया बहुत ज्यादा, गर्मी भी लग रही है, तो फिलहाल खाने का टाइम हो चुका है, मम्मी ने बनाए आलू के पराठे, तो मम्मी ने ना तो तहरी बनाई ना फुर्ता बनाया, तो आलू के पराठे बनाए, तो आलू के पराठे खाएंगे। फिलहाल इस व्लॉग का यही एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल भी नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।